हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हिंदी जीके वीडियो में। क्वेश्चन नंबर वन, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजनाएं। क्वेश्चन नंबर टू, प्राचीन भारत की कौन सी पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? उत्तर, मालविकाग्नि मित्र। क्वेश्चन नंबर थ्री, सरकार द्वारा प्रस्तुत उदय योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर फोर, किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? उत्तर, WTO मामला। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में IMF के SDR बास्केट में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? उत्तर, रेनमिनबी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? उत्तर, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है और ये मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान किसके लिए चलाई गई है? उत्तर, मैला धोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला धोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। क्वेश्चन नंबर एट, रासायनिक आयुध निषिद्ध संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। उत्तर, नंबर वन, ये नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। नंबर टू, ये राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत के कौन से क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? उत्तर, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर टेन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? उत्तर, ये योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का अगुवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? उत्तर, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है, इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? उत्तर, पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित परिदृश्य कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण और संरक्षण करना। नंबर 14, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? उत्तर, दिबांग, कामेंग और लोहित। नंबर 15, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? उत्तर, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? उत्तर, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 17, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? उत्तर, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। क्वेश्चन नंबर 18, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है?
उत्तर, परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। नंबर 19, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? उत्तर, व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।